आपके स्मार्टफोन में काफी सारे अननेसेसरी एप्स हो सकते हैं जो आपके स्टोरेज स्पेस को कम कर दे और इसके अलावा आपके फोन के परफॉर्मेंस और बैटरी को भी कम कर देता है। गूगल प्ले पे काफी सारे एप्स होते हैं बट उनमें से सभी एप्स का इरादा अच्छा नहीं होता है। कुछ एप्स आपके फोन के डेटा को एकत्र कर सकते हैं, आपकी व्यक्तिगत जानकारी साझा कर सकते हैं और यहाँ तक कि आपके बैंक खाते से पैसे भी चुरा सकते हैं। यही एक समय है कि आपको आपका स्मार्टफोन तुरंत साफ कर देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आस्काई गुरु ने 5 ऐसे एप्स की सूची बनाई है जिन्हें आपको आपके स्मार्टफोन में से तुरंत डिलीट कर देना चाहिए। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल से डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लीन मास्टर और अन्य ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर्स जैसे कि क्लीन मास्टर, रैशनल अप्रोच, हाउसकीपर एंड ऑप्टिमॉक को कोई भी कीमत पे हटाना चाहिए। क्लीन मास्टर वैसे तो बहुत खतरनाक नहीं हो सकता और आपके स्मार्टफोन से जुड़ी स्टोरेज समस्याओं को ठीक कर सकता है। इसके अलावा यहाँ तक कि जब आप काम नहीं कर रहे होते वे समय में भी आपकी बैटरी लाइफ को बड़े पैमाने में ख़त्म कर सकता है। वहाँ आपके सिस्टम को तेज नहीं बनाएंगे पर केवल उसे धीमा कर देंगे और बोनस के रूप में आपको विज्ञापन प्राप्त करेंगे। सोशल मीडिया एप्स। ये एप्स शुरुआती तौर में बहुत लोकप्रिय थे लेकिन अब उन्होंने लोकप्रियता बहुत ही जल्दी खो दी है। इस मामले में ऐसे एप्स बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और बैटरी यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से स्मार्टफोन खुद ही लैग होने लगता है। उदाहरण के लिए कई फेसबुक यूजर्स को मोबाइल ब्राउजर में फेसबुक यूज़ करना काफ़ी आसान लगता है उसके ऑफिशियल ऐप की तुलना में। अज्ञात डेवलपर्स से एंटीवायरस एप्स। जब लोगों ने फ़ोन हैक करना और डेटा चुराना शुरू किया तो डेवलपर्स ने मोबाइल के लिए एंटीवायरस एप्स बनाए और फिर हैकर्स ने इसी अवसर का फायदा उठाया और अपने स्वयं के एंटीवायरस एप्लीकेशंस बनाए। ये ऐप यूजर्स के पर्सनल डेटा को चुरा सकते हैं या फोन को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। टॉर्च एप्लीकेशंस। हर कोई अपने फ़ोन में एक टॉर्च ऐप चाहता है लेकिन यह सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक है जहां हैकर्स और डेवलपर्स फ्लैशलाइट ऐप्स जैसे कि एलईडी फ्लैशलाइट एंड ब्राइटेस्ट फ्लैशलाइट को प्रमोट करते हैं। यह ऐप्स आपके फ़ोन से तुरंत हटाने चाहिए क्योंकि यह खतरनाक एंड्रॉयड ऐप्स में से एक है। मौसम एप्लीकेशंस। वेदर ऐप्स पहले तो बेहद लोकप्रिय हो गए लेकिन जल्दी ही यह पता चल गया कि उनमें बहुत सारे वायरस थे। उदाहरण के लिए एक ऐसा मामला था जब एक मौसम ऐप में एक ट्रोजन था और जो मालिक के फ़ोन से डेटा एकत्र करता था और इसे हमलवारों को भेजता था। यहाँ तक कि आपकी बैंकिंग जानकारी को एक कमांड और कंट्रोल सर्वर के जरिए हैक किया जा सकता है। मौसम ऐप्स की लोकप्रियता अब कम हो रही है और एक ब्राउजर के माध्यम से मौसम का पूर्व अनुमान की जाँच करना बहुत आसान हो गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हर दिन काफ़ी सारे ऐप्स गूगल प्ले पे अपलोड होते हैं तो गूगल खुद भी सभी ऐप्स और प्रोग्राम्स की सुरक्षा को ट्रैक और जांच नहीं कर सकता, तो आपके डिवाइस की सुरक्षा ज़्यादातर आप पे ही निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ऐप्स के अलावा अगर आप सबको भी कोई ऐसे ऐप्स के बारे में पता है जो आपके स्मार्टफोन के लिए हानिकारक हो और आपके स्मार्टफोन की बैटरी या परफॉर्मेंस को कम कर दे तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।